वहीं बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में कई कई फीट तक पानी भर गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की है, जहां सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। इस स्कूल की स्थिति देखिए, स्कूल के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चे पानी को पार कर स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम की तस्वीर है। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। गांव में पानी भरने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। और अब खबर है बारिश से तरबतर हुए फरीदाबाद की, जहां कई घंटे की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। 5 घंटे की लगातार बारिश के बाद ये हाल दिल्ली से सटे फरीदाबाद का हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 15 और सेक्टर 15A की कैसे दुर्दशा हुई है। चौक चौराहे जलमग्न हो गए और सड़कें दरिया बन गई। कहीं लोग अपने दुपहिया को खींचते नजर आए तो कहीं जल भराव से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। फरीदाबाद में शुक्रवार को हुई इस बारिश ने निगम के सभी दावों को धो डाला।